क्या कर रही हो? अरे लग जाएगा मम्मी के। अरे मार रही हो क्या मम्मी को? ऐसे कौन मारता बता। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए कैसे दुलार दिखा रही, मेरे को मार रही है। मम्मी को मारा क्यों? चिड़ा रही है। सप्लाई का पानी भर रही हूँ गेट पे, तो आगे जीने में बैठ गई हूँ तो मार रही है। कह रही है यहाँ ना बैठो, ऊपर चलो छत पे, इसलिए चिड़ भी रही है, दुलार भी दिखा रही है। क्यों क्यों क्या दिखा रही हो तुम? दुलार दिखा रही हो कि गुस्सा दिखा रही हो बता। देखी देखी कैसे काट रही, देखी 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 ये देखी कितना दुलार दिखा रही है। बहुत दुष्ट है। मारूंगी रानी, काटा तो समझ लेना। आज सप्लाई का पानी जल्दी आ रहा है तो मेरे को भरना पड़ रहा है, क्योंकि शायद सो रहा है। आज जल्दी क्यों आ रहा है? क्योंकि कल शाम से पानी नहीं आया, ना कल शाम के आया, ना आज सुबह आया, तो आज शाम टाइम को जल्दी पानी आ रहा है, तो मैं कल लाव में भर लूँ। तो गेट में पानी भी भरती जा रही हूँ, अंदर काम करती जा रही हूँ, गेट में पानी चालू कर दिया है, भर रहा है, झाड़ू लगाया, और जो बर्तन थे बर्तन धुले। इसको खाना दिया है, ये देखिए कैसे काट रही, देखिए चिड़ा रही है कि यहाँ मत बैठो, ऊपर चलो। खाना खाना नहीं दूंगी समझ लेना, खाना खा चुकी है। तो जा रही हूँ, देख लो ये इसके चक्कर में पानी ना बहने लगे। भर गया है पानी, बंद कर दो। दोस्तों गेट में मेरा पानी भर गया है, अब लगा दूंगी रबड़ अंदर, तो अंदर का ड्रम भर जाएगा, क्योंकि ये वाला ड्रम खाली है, कल शाम से खाली हो गया है, कल शाम की इसी पानी से काम हुआ है, और सुबह भी झाड़ू पोछा नहाना बर्तन धुलना तो खाली है, तो अब लगा देती हूँ रबड़, तो ये भी भरेगा, अंदर भरता जाएगा और मैं अंदर का काम करूँगी। पहले बर्तन यहाँ से उठा के रखे दे रही हूँ। तुम म्याऊं म्याऊं करती रहो, मैं कोई तुम्हारा काम नहीं करूँगी, काटती हो ना मुझे, बुला रही है जीने से किया। जा रही हूँ रबड़ लगा दूँ, पानी चालू कर दूँ तो यहाँ भरने लगेगा, साइल का जगा दूँ, साइल पढ़ाई करेगा। और तुम क्या करोगी, क्या करोगी तुम क्या करोगी? अब मम्मी से बात ना करना, मम्मी को शाम मम्मी काट रही थी ना। तुम मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, रबड़ लगा दूँ पानी ना चला जाए। दोस्तों गेट का पानी मेरा भर गया और यहाँ पर लगा दिया है रबड़, तो ड्रम भर रहा है, अब अंदर का भी काम करती जाऊँगी, ड्रम में पानी देखती जाऊँगी भर गया कि नहीं। बाहर भर रही थी, तो अंदर काम करना, फिर बाहर देखने जाना कि भर तो नहीं गया, जो बाहर बह के पानी जाए। अंदर भी देख रही थी काम, बाहर भी पानी देख रही थी, बाहर का पानी भर गया, बाहर के पानी से कूलर भर जाएगा, अभी आएंगे शाम के बिट्टू पापा भर देंगे कूलर, और जो बचेगा तो सुबह झाड़ू पोछा में लग जाएगा, फिर सुबह भरूंगी तो फिर शाम के लग जाएगा, इसलिए गेट में भर देते हैं कि बाहर का काम बाहर हो जाता है, बाहर के पानी से कूलर भी भर जाता है, धुलाई भी हो जाती है। बर्तन रख दूँ, बर्तन रखने के बाद खाना बनाऊंगी, खाना क्या बनाऊंगी अभी सोचा नहीं है। साहिल कह रहा था मम्मी चावल रखें, चावल तल लेना, पापा के लिए कुछ बना देना, तो देखती हूँ। तो चावल अपने तल लूँगी साहिल का अपने लिए, क्योंकि कल बनाए हुए थे चावल, थोड़ी रखे थे, खा रहा था स्कूल से आके, तो मैं कहूँ चावल ना खाओ, कल के हैं स्कूल से आए हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे ना खाओ, तो बोल रहा था तो मम्मी तल दो, तो मैं कहा देखती हूँ शाम के, तो कह रहा था पक्का मम्मी शाम के चावल तल देना, तो देखती हूँ, तो अपने लोगों को चावल तल लूँगी और बिट्टू के पापा से पूछूँगी क्या खाएँगे, तो उनके लिए कुछ बना दूँगी सब्जी,
रोटी, क्योंकि चावल नहीं तले खाएंगे वो। खा लेते थे पर अब इस समय नहीं खाएंगे क्योंकि गर्मी पड़ती है ना, तो तली वाली चीज़ें जल्दी खाते नहीं हैं, बासा, तो नहीं खाएंगे चावल तले। हम ही को डांटते रहते हैं, बासी रोटी ना खाया करो, बासा कोई भी सब्जी ना खाया करो। तो मैं खा लेती हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ, दाल सब्जी जो भी बचता है खा लेती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी बच जाता है, तो ये थोड़ी ना कि खाओ ना, तो मैं खा लेती हूँ, पर डांट मेरी वो पड़ती है। तो अब जा रही हूँ, रखे दे रही हूँ चाय पकने को, तो जब तक चाय पकेगी तब तक मिर्च वर्च काट लेती हूँ चावल तलने के लिए। साहिल को जगा दिया है, तो उठते बोल रहा था मम्मी चावल तलोगी कि नहीं, क्योंकि साहिल को चावल, दाल चावल भी पसंद है और तहरी भी पसंद है, तले चावल ही बहुत खाता है, ये चावल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चावल मिले रहे, रोटी मिले चाहे ना मिले, बहुत चावल खाता है, दाल चावल सब्जी चावल। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, रखे दे रही हूँ चाय पकने को, खाना का जल्दी से कर लूँ इंतज़ाम। आज थोड़ी कम गर्मी है क्योंकि आज बादल रहा है ना, तो धूप कम रही है तो कम गर्मी है। कल तो इतनी गर्मी थी, कल परसों बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही, पानी नहीं बरस रहा, बहुत गर्म आ रहा, ऐसी गर्मी है, छिपे छिपिर वाली, पसीना निकलता है तो पूरा शरीर चिपकता है गाद की तरह, इससे गोंद चिपक रही, बहुत ख़राब वाली गर्मी पड़ती है बरसात में। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तुम क्या कर रहे हो? अब देखिए ये आके बैठ गई, ये बैठी हुई बहुत परेशान करती है मेरे को, तो इतना छका लेती है। साहिल को बहुत डरती है, मार देता है ना, तो उसको बहुत डरती है। देखिए लेट गई, क्या हो गया, छो गए क्या, मम्मी भी छो जाए क्या साथ में, क्यों ना छो है? छो जाए। बहुत दुलार दिखाती है। साहिल स्कूल चला जाता है, पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसी में मन लगा रहता है। जब से साहिल बिट्टू बाहर चला गया पढ़ने, तो अकेले घर में अच्छा नहीं लगा करता है, बड़े बिट्टू की याद आती है। क्योंकि कोरोना में 2 साल घर में रहा, फिर 1 साल और रहा, 3 साल तक 24 घंटा घर में रहा है, फिर बाहर चला गया है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसी में मन लगा रहता है, आगे पीछे टहलती रहती है। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। आप लोग सोचोगे बार बार बोल देती हूँ मिलती हूँ थोड़ी देर में, मिलती हूँ थोड़ी देर में, पर चबड़ चबड़ लगी हुई है। दोस्तों मेरा खाना बन चुका है। खाने में मैंने क्या बनाया है, बिट्टू पापा के लिए बनाया आलू की भुजिया, अपन लोगों के लिए तले हैं चावल, और बिट्टू पापा आ गए ड्यूटी से, तो बिट्टू पापा ने चाय पिया, मैंने चाय पिया, बिट्टू पापा फिर कूलर भरे हैं, फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया है। मैंने पूछा आपके लिए खाने में क्या बनाए, तो बोल रहे थे तुम लोग नहीं खाओगी, क्या मैं कल के चावल रखे हैं, तो चावल तलूँगी, तो मैं और साहिल चावल खा लेंगे, आप सब्जी में क्या खाओगे, दाल खाओगी या सब्जी, तो बोल रहे थे मेरे को थोड़ी सी भुजिया बना दो, तो उनके लिए भुजिया बनाया है आलू की। और सबसे पहले बनाए आलू की भुजिया, फिर तले हैं चावल, फिर बनाएंगे रोटी। तो मेरा खाना बन चुका है और अब जा रही हूँ किचन साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धुल लूँ, क्योंकि बर्तन को लोग आएंगे। देखिए साहिल का टिफिन है, पापा का टिफिन है, और खाना बनाए हुए बर्तन है, तो सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाएंगे हम लोग खाना। तो जा रही हूँ जल्दी से साफ़ कर लूँ किचन, फिर बर्तन धुल लूँ, फिर खाएं जल्दी से खाना, क्योंकि टाइम हो रहा है खाना खाने को। आइए देखिए जितनी देर मैंने खाना बनाया है इतनी देर सोती रही है, आइए फिर दूध मांग रही थी, दूध दिया, पी के निकल गई गेट पे, गेट पे बैठी रहेगी जब तक मैं किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, तब तक गेट पे रहेगी। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि काम से खाली हो गई, तुरंत आ जाएगी कि अब खाना खाने को गए हैं ये लोग, तो मैं भी जाऊं, फिर उसको भी खाना दूंगी और हम लोग भी खाना खाएंगे। और
शायद हमारा ये सो के उठ गए हैं, पढ़ते रहे हैं। अब ये देखिए आंखें कैसी कर रहे हैं तो आँख पाल के नहीं नीचे को आती है क्या? देखूँ वाला उंगली करके गधा इसको जगा दिया था, जब तक मैंने खाना बनाया पढ़ता रहा है। पढ़ने के बाद पीछे पीछे घूम रहा है, सोते जगाया तो तुरंत उठते चावल तले, पढ़ के चार चक्कर पढ़ते बारे में लगाया, मम्मी चावल तल लिया, चावल तल लिया। अब घूम रहा है इगेर देगेर की जल्दी से मम्मी काम करे तो फिर खाना खाएं, क्योंकि साहिल की जान है चावल तले, है ना। लेकिन साहिल बासी चावल नहीं तुम्हें खाना चाहिए, पता है कुछ दोस्तों जा रहे हैं जल्दी से कर लूं काम, क्योंकि साहिल को लगी है भूख, गुस्सा आ रहा है। क्यों साहिल गुस्सा आ रही है क्या तुम्हें? क्यों मार दूंगी तुम बल्ब बंद कर देना कमरे का, बार बार लाइट आ रही बार बार जा रही, ये गेट में क्या है गिरा रही है? पता नहीं, साइकिल ना गिरा रही, साइकिल गिरा देती बहुत शैतानी कर रही है, मेरे सर में काट रही थी, जीने में बोल रही थी ऊपर चल, काट रही सर में। ये रोटी गए अब रखा हुआ है, खा लेगी, आ गई कहाँ गई थी? चलो खाना, क्या खा रही हो? दाना को फुटा रही हूँ, बड़ा टाइम पता रहता है कितनी टाइम खाना खाएंगे। आ गई, चलो दो खाना। चावल में कल के सामने मूंगफली के दाने डाल दिए, मूंगफली के दाने अच्छे लगा करते हैं ना चावल में। पापा बोला हाँ पापा, सुबह की वजह से मैंने कम खाया, गाय तो देंगे प्लेट में, प्लेट में खाऊंगी प्लेट में। बस मैं खाऊंगी ये वाली चम्मच सबसे छोटी चम्मच है। दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया और काम भी मेरा सारा हो गया, और यहाँ पर शायद खाना खा के देख रहे हैं टीवी, टीवी क्या देख रहा है सीआईडी, क्या किस तरीके कर रहे हो कर रहे हो कि अपने आप हो रहा, कुछ चक्कर तो नहीं है? तुमको शायद से आई डी क्यों अच्छा लगता है क्या? वो लगा दो ना भैंस की टांग, थोड़ी देर में भी देख लगा दो। तो दोस्तों साहिल के साथ थोड़ी देर में भी टीवी देखूंगी, टीवी देखने के बाद जाएंगे सोने। वीडियो भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
नमस्ते बाय बाय। जीव ने कहा कौन नमस्ते करता होता, तुम आए बताया तुम आए क्या देते हैं उसमें कल्चर में ऐसे चलता है क्या? छल्लू की कल्चर में जीव निकाल के नमस्ते किया जाता है क्या सर? काम तो वो यही करता था।